अगर आप दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, मान लो बच्चे की, वो बीमारी हो गया और आप चिंतित बहुत हैं, तो आपसे बच्चे को क्या जाएगा? नेगेटिव एनर्जी। आप उसको मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उसको वाइब्रेशंस दो, उसके लिए योग करो, शुभ भावना रखो, उसे बार बार कहो कुछ नहीं है ये तो ठीक हो जाएगा, उसे उमंग दिलाओ, खुशी में लाओ। आपसे पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को जानी चाहिए। सब माताएं इस बात पे ध्यान दें, कईयों को चिंता करने का ज़्यादा ही संस्कार हो गया है। ये संस्कार आगे चलकर बहुत कष्ट दे सकता है। अकर्म बनाना है कर्मों को, इसका अर्थ बहन जी ने भी थोड़ा सा बोल दिया था सवेरे, मुरली अच्छी सुनाई थी ना आज, क्या बताया था बोलो। कर्म अकर्म अर्थात कर्म का प्रभाव मन पर छाया न रहे, किसी के शब्दों का प्रभाव दिमाग पर हावी न रहे, जो कुछ आज सवेरे से हो गया है वो चलता न रहे, तो एक दबाव रहेगा दिमाग पर, वो अच्छा नहीं रहेगा। और ये सब कैसे होगा? हमें ज्ञान का बहुत अच्छा बल, ज्ञान की कुछ बातों का चिंतन रखना ही चाहिए। जैसे आज की मुरली थी, बाबा करंट देता है, सर्च लाइट देता है, तो हमें क्या याद रखना था सारा दिन बोलो? मैंने रखा, हालांकि मैं बहुत बिजी कर दिया गया सवेरे से, इतना बिजी कि मैंने दो सेब निकाले थे कि खा के जाऊंगा, वो भी रखे रह गए। फिर थोड़ा सा तरबूज रखा था, वो निकाला, अब जल्दी ये खा लूँगा, वो भी रखा रह गया। फिर और एक तीसरी चीज़ निकाली, ये खा के चलता हूँ, वो भी रह गई। आखिर 11:30 बज गए, मैं सोचा अभी तो ये सब छोड़ देता हूँ, खाना ही जल्दी खा लूँगा। फिर भी मैंने याद रखा। किस रूप में याद रखना चाहिए? बाबा मुझे सर्च लाइट दे रहा है, एक ही बात काफ़ी होगी सारे दिन के लिए। बाबा मुझे बहुत प्यार करता है क्योंकि सच्चे दिल से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो मजा आ जाएगा ना, पावरफुल योग हो जाएगा, परम धाम से उसकी सर्च लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, पावरफुल योग। किन सेवा करने वालों पर भगवान राजी रहता है और किन के कर्म अकर्म बनते हैं, सेवा कर्म है ना। कईयों के लिए ऐसा हो जाता है कि सेवा उनको योगी नहीं बनने देती और वो कहेंगे सेवा बहुत है, योग का टाइम नहीं मिलता। और बाबा ने क्या कहा? जो पुराने हैं अव्यक्त मुरलियाँ जिन्होंने अच्छी सुनी है बोलो। नहीं, और एक पावरफुल बात कही थी बहुत समय से, मुझे ये तब से याद रही। कोई भी सेवा अगर स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। तब बाबा ने आगे कहा, छोड़ो सेवा, स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, फिर सेवा करना। टकराव में आ जाते हैं ना, तो सेवा स्थिति को बिगाड़ने लगती है, जबकि सेवा का बल मिलना चाहिए स्थिति में। बहुत अच्छा अनुभव सबको करना है। तो किन सेवाधारियों पर भगवान राजी रहता है, कौन से कर्म अकर्म बनते हैं, उन पर जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ये निष्काम भाव, इसकी डेफिनेशन भी बहुत गहरी है। निस्वार्थ भाव अर्थात मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube.